आज जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी है। उसका नाम है ब्रेड पिज़्ज़ा बाइट। वो फटाफट से बन जाती है। आपका वीकेंड हो या फिर आपका हॉलीडे हो या लेट नाइट का प्रोग्राम हो, और अभी तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है जिसमें आप इसको बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये वन पॉट डिश है और जल्दी से बन भी जाती है। और उसके साथ मैं एक आपको सैंडविच भी दूंगी जिसको आप 24 आवर्स स्टोर भी कर सकते हैं। और खाने में तो पता ही है कि पिज़्ज़ा और सैंडविच कितने टेस्टी होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैं ले रही हूँ एक पैन, और पैन को मैंने गर्म कर लिया था। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच मेल्टेड बटर, ये अमूल का नॉर्मल बटर है, और इसको थोड़ा सा गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ब्रेड। मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस लिया था जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, या जो भी लेफ्ट ओवर ब्रेड है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इनको हम क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप बटर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अगर आपको बटरी फ्लेवर चाहिए। मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। जब आपको लगे कि ये हो गया है, इसमें कलर आ गया है, तो हम इनको साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे 1 चम्मच बटर, और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चॉप गार्लिक। इनको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। कलर नहीं लाना है, हमें सिर्फ सौते करना है। मीडियम आंच ही रखिएगा। जब ये सौते हो जाएंगी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अनियन, टमाटो जिसके मैंने सीड निकाल लिए थे, और कैप्सिकम। इनको मैंने चॉप से बड़ा थोड़ा सा क्यूब में काटा है। तो आप अपनी पसंद की यहाँ पर सब्जियाँ ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इनको भी हम सौते कर लेंगे। थोड़ा सा हमें 1-2 मिनट के लिए ही सौते करना है, हमें पकाना नहीं है सब्जियों को, सिर्फ सौते करना है। अब इसमें डालेंगे हम सॉल्ट थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर। अब इनको मिक्स कर लेंगे। गैस बंद करिए और इनको भी हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे जिसको मैंने पहले से बटर से ग्रीस कर लिया था, और अब हम लगाएंगे इसकी लेयर। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर ब्रेड। फिर है ये मेयोनीज नॉर्मल वाली। टमाटो केचप। ये तंदूरी मायो है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप ट्राई करिएगा इसको डाल के। अब डालेंगे हम अपनी सब्जियाँ यहाँ पर जो हमने सौते करके रखा था, उनका एक लेयर बना देंगे। साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पर थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, और साथ में चीज़। हम सेम प्रोसेस हम वापस से करेंगे लेयरिंग का। वापस से ब्रेड डालेंगे, सब्जियां डालेंगे, सीजनिंग डालेंगे, चीज़ डालेंगे, सॉसेस डालेंगे।
लेयरिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं ग्रिल करूंगी, करीब 4 से 5 मिनट के लिए मुझे ग्रिल करना है इसको, ताकि चीज़ पे एक अच्छा सा क्रस्ट आ जाए और कलर भी आ जाए। तो अब हम इसको डालेंगे अपने अवन पे ग्रिल के लिए। लीजिए, हमारा तैयार है ब्रेड पिज़्ज़ा बाइट। अब बनाते हैं हम अपना वेजी ट्रीट सैंडविच। यहाँ पर नॉर्मल सब्जियाँ ले रही हूँ जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। मैंने लिया है प्याज, खीरा, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च। आप यहाँ पर और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और उनको हम पील कर लेंगे, धो लेंगे और धो के फिर हम चॉप कर लेंगे। आप रफली चॉप कर लीजिए, आप ग्रेट कर लीजिए, आप जैसे चाहें आप वैसे इसको कर सकते हैं, स्लाइस कर लीजिए, जिसमें अभी आपको आसानी हो आप उस तरह से ये कर सकते हैं। सारी सब्जियों को हम एक एक करके ऐसे चॉप कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। जब सब्जियां हमारी सारी चॉप हो जाएंगी या स्लाइस हो जाएंगी, तब हम इनको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो, आधा चम्मच करीब, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर है ये, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 चम्मच मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। आपके पास घर में अवेलेबल है तो आप घर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिच कर रही हूँ ताकि फ्लेवर अच्छा आए मेरा। साथ में मैं डालूँगी इसमें टमाटो केचप, करीब 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप है। साथ में है चीज़ ग्रेट किया हुआ और मेयोनीज़। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड और उनमें मैं ये स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। स्प्रेड करने के बाद मैं पैन में थोड़ा सा बटर लगा के इनको दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लूंगी। आपके पास अगर ग्रिल है तो आप ग्रिल कर सकते हैं, या फिर आप सैंडविच मेकर है आप उसमें भी बना सकते हैं, इजी हो जाएगा। अच्छे से बटर लगा के आप सेक लीजिएगा दोनों तरफ से। इसकी जो फीलिंग है ना, आप उसे एक दिन रख सकते हैं, खराब नहीं होती है। लीजिए, हमारा सैंडविच तैयार है। चाय के साथ खाइए आप, गरम गरम कॉफ़ी के साथ खाइए, जिसके साथ आपको पसंद है आप उसके साथ खाइए और इन्जॉय करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।